हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुझे पता है। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं जो तो पूरा दिन काम ही रहता है। आज मेरा संडे था तो बहुत सारा काम किया। आज मैं थोड़ा नवरात्रि का झाड़ पोछ कर रही थी, तो अभी जाके मैं नहाई हूँ। देख सकते हैं, मैं तो बाल बुल हो रही हूँ, तो बाल को सुखा रही हूँ। और आज मुझे मार्केट जाना है, तो मैं शाम को लेकर आ चुकी। लगता है संडे मार्केट रखो, बताई थी संडे मार्केट लगता है, तो वहीं पर जाना है। तो शाम में जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी। तो आप बोले होंगे अब मार्केट जाएगी शाम में, अभी तैयार हो गई है। तैयार इसलिए हुई थी, मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, अभी तुरंत बनाई हूँ। और फिर अभी मतलब 2:30 बजे मैं 2:30 बजे नहाई हुई, 3 बजने वाला है अभी खाना खाई। तो अब चलते हैं। मेरा मतलब असाइनमेंट का पूरा काम हो चुका है, तो अब मुझे असाइनमेंट नहीं बनाना पड़ता है। अब किताब अब मुझे बुक पढ़ना पड़ता है मतलब। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा असाइनमेंट मैं किस तरह बनाई। मेरा पूरा बन चुका है, 8 सब्जेक्ट मैंने बहुत सारा लिखा है इस बार। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा असाइनमेंट का पेपर देखिए मेरा तैयार हो चुका है, 8 सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कितना सारा, ये देखिए MPSC 8, MPSC 4, MGP 8, MED 8, MPSC 3, MPSC 1, MPSC 7। तो सर मेरा ये असाइनमेंट है, मेरा 8 सब्जेक्ट था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मैंने बना लिया है। आप देख सकते हैं, मतलब बताइएगा मेरा राइटिंग कैसा है। मैंने इस बार बहुत कोशिश की राइटिंग अच्छा से लिखो, तो मैं इस तरह लिखी। आप देख सकते हैं मैं कैसे लिखी। सबसे पहले मैं असाइनमेंट ये वाला बनाई थी, मुझे तो समझ में नहीं आया था, पहले ये बनाई थी। बाद में समझ में आया कि नहीं, थोड़ा दूर दूर लिखना है। देखिए मैं इस तरह बनाई, पहले ऐसा था और फिर ऐसा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं सर लोग को मेरी राइटिंग कैसा लगे। तभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, मैं देखिए इसमें बांधी हूँ अभी, बांध के फिर ये जो मैं इधर रखी हूँ सब बना बना के रखी हूँ ये अपना। ये देखिए क्वेश्चन है, MPSC 8 कहाँ है। हाँ देखिए यहाँ पर MPSC 8 है ना, इसका क्वेश्चन उसमें से लगा के इसको बांधना पड़ेगा। फिर देखिए फ्रंट पेज होता है इग्नू का, तो सब डाल के इसे डालना पड़ेगा। सब डालूँगी मैं, लगाऊँगी तो मेरा बन चुका। और मेरा बुक भी फिर से 2 बुक जो बचा था मैं खोली थी, वो भी आ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी खोली नहीं हूँ, बस आया दिखा रहे। तो देखिए ये ना अभी बंद ही है, अभी आया तो नहीं खोली हूँ अभी मैं। तो काट के दिखा दे, काट आया है। अरे साइड उस साइड से होगा, उधर से होगा, उस साइड देखना। मैंने बुक खराब में देखा ना, उस साइड इतना कर रहा है, ऐसे उलझा ना। एक ही बुक एक बार रे, देखिए इसमें 2 बुक आया है मेरा अभी, सबसे भारी बुक है, मोटा बुक है। देखिए बाप रे, ये कौन सा है, MED 8। बाप रे, ऐसा समझ में आया। ये ना पूरा इसमें 20 क्वेश्चन मुझे बनाना पड़ेगा ये वाले सब्जेक्ट में, इसलिए मैं इसमें 20 क्वेश्चन के हिसाब से इतना पूरा मोटा मुझे बुक मिला है पढ़ने के लिए। मैं भी एक भी बार नहीं पढ़ी हूँ। और देखिए इसका कलर, वाह कलर कितना मस्त है ना, MJP फुल गांधी राजनीतिक विचार। ये भी बहुत स्पेशल बुक लग रहा है मुझको, भी नहीं पढ़ी हूँ मैं। तो देखिए आप मेरा बुक देख लिए, तो मैं इसको पढ़ूँगी। और मैं नया आया था, देखिए तो मैं कटिंग करी, बुक भी आ चुका है। तो फिर अब मिलूँगी बाद में कल, तो मार्केट जाना है मुझे। मार्केट का वीडियो नहीं बना गया, तो मैं तो मार्केट का वीडियो बना दी, वीडियो बनाई थी आपको दिखाई थी, तो मैं ही बनाऊँगी मार्केट टिकट नहीं। मैं तो मोबाइल लेके जाऊँगी लेकिन बनाऊँगी नहीं, और तो कुछ काम है तो मैं आऊँ। और मुझे कुछ जाना है, मतलब तो मेरी आने वाली बड़ी माँ सब शायद आएगी, तो दीदी सब आने वाली, तो मैं उनके लिए साड़ी उड़ी लाने जा रही हूँ। तो मैं लाऊँगी साड़ी, तो आपको दिखाऊँगी, घर से बताते हैं पर आपको बता दी। तो ठीक है मैं लेके आऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स वापस आ गई हूँ। देखिए मैं अंगूर लेके आई हूँ 2 तरह का, तो ये काला वाला है, ब्लैक वाला मेरे को अच्छा लगता है, ब्लैक वाला अंगूर। और ये वाला है हरा वाला, तो सबको पता है ये कितना अच्छा लग रहा है। जामुन का तरह बड़ा बड़ा पीस है इसका, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए
ये भी बहुत बड़ा बड़ा, इसका भी बहुत बड़ा और लंबा लंबा है। और मैं बहुत कुछ लेके आई हूँ, देखिए ये है चीकू, गुजरात में बहुत मिलता है, लगता है आलू की तरह। मेरा छोटा बेटा इसको आलू ही बोलता, मम्मी आलू खाते हैं, ये तो आलू थोड़ी ना खाने का। तो देखिए आलू की तरह ये बहुत अच्छा होता है खाने, बहुत मीठा लगता है ये खाने में। अब मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी जो लेके आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यही साड़ी लेके आई हूँ, ले सकते हैं, मस्त है पट्टी वाला। ये देखिए हरा कलर का है ये साड़ी, ये पूरे ये पट्टी पूरे में आएगा। और देखिए सिंपल में है ये, बहुत सुंदर है ये भी। इसका तो अच्छा कलर नहीं है, गोरा में भी अच्छा लगेगा, कि जो मैं इसका जो बॉर्डर है ना जो दिख रहा है आपको, ये बॉर्डर और ये छीट जो है ये पूरा लंबा होता है, मतलब पूरे घुटने तक ये छीट आ जाएगा पूरी साड़ी में, इसलिए मैं साड़ी को ली, मुझे इसलिए अच्छा लगा ये साड़ी। देखिए इसका है ना ये यहाँ नीचे तक आ जाएगा, इसलिए मुझे साड़ी अच्छा लगा तो मैं ले ली। और ये भी ऐसे बहुत सुंदर है ये साड़ी, अब जिसके लिए ली हूँ साड़ी मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, आ जाएगी तब बताऊँगी कि किसके लिए मैं सब साड़ी, दो साड़ी ली हूँ, कोई आने वाला है अभी, आ जाएगी तब बताऊँगी। और मैं कुछ लाई हूँ, कुछ कुछ बहुत एक दो सामान और लाई थी, अब पर वो बहुत अंदर रखा है, मैं अभी नहीं दिखाऊँगी, कुछ बाद में दिखा दूँगी। तो ठीक है फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं वॉच भी लेके आई हूँ एक अपने लिए, फिर मेरा एग्जाम आने वाला है ना, तो मेरे पास वॉच है मैक्सिमा का, लेकिन वो क्या बंद हो गया है, कितना बार ठीक कराए लेकिन फिर वैसा ही हो गया। तो ये देखिए मैं वॉच लेके आई, न्यू वॉच, इस टाइम मेरे पास नहीं था इस पर, वो मेरा गोल्डन कलर का था, ये देखिए पिंक कलर का, बहुत सुंदर है, कितना अच्छा दिखना। एग्जाम में मतलब टाइम देखना पड़ता है ना, कितना 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है तो इसलिए। और देखिए मैं इयरिंग लाई हूँ ये वाला सीसा वाला, मेरे पास एक भी नहीं था, तो ये बस सिल्वर साड़ी एक है ना उस पर मैच हो जाएगा, उस पर लेके आई थी मैं, बोली ये भी दिखाई देती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स।